हेलो स्टूडेंट, दिस इज माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद माला मैम। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए ट्रिक किया था, ठीक है बच्चों। आज के इस क्लास में हमें करना है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं विथ देयर एटॉमिक नंबर। तो बच्चों, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक से पहले हम जो है एक बार रिवाइज करेंगे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम किस तरीके से हमने लर्न किया था। तो बच्चों रिवाइज करते हैं, हमने स्टार्ट किया था हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, ठीक है बच्चों। हमने इसका एटॉमिक नंबर भी लर्न किया था। उसके बाद हमने सेकंड पीरियड में किया था बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरीके से हमने इस ट्रिक का यूज करके एस ब्लॉक के एलिमेंट को लर्न करना सीख लिया था, ठीक है बच्चों। हमने इसका जो है एटॉमिक नंबर भी जो है पल किया था। उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था 2 8 8 18 18 32, ठीक है। हम जो है एटॉमिक नंबर जो है हम पता करने के लिए हम जो है फर्स्ट के एटॉमिक नंबर में इसे प्लस करके जो है इस रूल को फॉलो करते हुए जो है एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, अब हमने जो है इसमें 2 प्लस करने पे हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर मिल जा रहा है। तो इसी को फॉलो करते हुए आगे भी आप एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज हमें करना है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक, ठीक है बच्चों। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है हमारा ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक है, तो जो कि बोरॉन फैमिली से स्टार्ट होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जो है उन फर्स्ट जो हमारा जो सेकंड पीरियड में आते हैं ये उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ताकि जो है ट्रिक जो है वो काफी आसान हो जाए आप लोग के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम देखते हैं बोरॉन होता है, देन कार्बन होता है, देन नाइट्रोजन होता है, देन ऑक्सीजन होता है, देन फ्लोरीन होता है, और नेक्स्ट जो हमारा वो होता है नियॉन। ये आपको लर्न होगा क्योंकि एटलीस्ट जो है 20 तक हमें लर्न होता है बोरॉन का 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर आपको ये लर्न नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, हम जो है ट्रिक का यूज करके इसे जो है बड़े आसानी से लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो फर्स्ट ट्रिक है वो है बाल गंगा इंदिरा तिलक, ठीक है बच्चों। बाल गंगा इंदिरा तिलक, ठीक है बच्चों, बाल गंगा इंदिरा तिलक, ओके। ये हमारा फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए आते हैं, सेकंड जो है हमारा ये कार्बन फैमिली है, ठीक है। इसके लिए हमने जो ट्रिक यूज किया है वो है सी से कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ओके बच्चों, कहे शिव जी सुनो पार्वती। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली के लिए हमने बहुत अच्छा ट्रिक जो है वो लिया हुआ है, वो है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीजन फैमिली, उसके लिए है ओ सावली सी, ओ सावली सी तेरी पूनम, ओ सावली सी तेरी पूनम, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं हमारा ये क्या है फ्लोरिन, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ओके बच्चों, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इसे हम यूज करके बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं। अब बारी आती है ग्रुप 18, जिसको लर्न करना सबसे टफ होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए भी मैंने जो है एक इजी सा ट्रिक आपके लिए बनाया हुआ है,
तो उसके आपको पता है नियॉन के ऊपर जो हमारा होता है वो होता है हीलियम, ठीक है, हीलियम होता है, उसके बाद होता है हमारा नियॉन, उसके बाद हमारा होता है ऑर्गन, देन होता है क्रिप्टॉन, देन होता है ज़ेनॉन, देन होता है हमारा रेडॉन। अब इसे हम कैसे याद करें, तो इसके लिए ट्रिक है हीरो ने आकर कर दिया जीरो रन, ठीक है, हीरो ने आकर कर दिया जीरो रन। हालांकि जीरो की स्पेलिंग जो है जेड से होती है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ज़ेनॉन होता है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो क्या है हमारा एक्स ही है। तो इस ट्रिक से हम जो है काफी अच्छे से जो है इसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं आपको फिर से जो है वो रिवाइज करवाती हूँ, आप हमारे साथ रिवाइज कीजिए। बाल गंगा इंदिरा तिलक, ठीक है, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है, ओ सावली सी तेरी पुनम, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद हीरो ने आकर कर दिया जीरो रन, ठीक है बच्चों। तो ये काफी अच्छा सा ट्रिक है, इसकी हेल्प से जो है आप जो है पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने जो अपना ट्रिक तो देख लिया है, अब हम इनके नाम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है इस ये जो है ट्रिक जो है वो क्लियर हो जाए। बी से हमारा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये हमारा टीन और ये हमारा लेड, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ओके, देन बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो बच्चों ये इसके फुल फॉर्म थे। अब आपके लिए जो है सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ पर जो है हमने जो है सिक्स पीरियड को डिस्कस किया, ठीक है, अब बारी आती है सेवेंथ पीरियड। तो अब आपने अपने बुक में देखा होगा कि सेवेंथ पीरियड जो है वो पी ब्लॉक का फुलफिल नहीं है, लेकिन बच्चों कुछ एलिमेंट्स उसमें मेंशन होंगे जो कि आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन अब जो है उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, इसको लेकर काफी विवाद चल रहा था, लेकिन अब जो है पर्टिकुलर उन्हें नेम दे दिया गया है। तो आज मैं आपको जो सेवेंथ पीरियड है पी ब्लॉक के उनके नेम भी बताऊंगी, उनके ट्रिक्स भी बताऊंगी। ये जो है ट्रिक्स बच्चों आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ध्यान से इसे देखेंगे और फिर इसे लर्न करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस ट्रिक को शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट सेवेंथ पीरियड की जो है वो ट्रिक देखते हैं, नहीं है फॉल्स मुझे लव तुझसे हो गया, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने खुद बनाई है, नहीं है फॉल्स मुझे लव तुझसे हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हो गया, ठीक है, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे सेवेंथ पीरियड के हैं जो आपके फुल हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। ये जो हमारा है नियोनियम है, ठीक है, फेलोरबियम है, ठीक है, मैसोबियम है, ठीक है, लिवरमोसियम है, टेनिसिन है, ऑर्गेनोसिन है, ठीक है बच्चों। तो इनके ट्रिक जो है वो काफी अच्छी है, आप बिल्कुल इसका ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये आपको कहीं भी की जो है नहीं मिलने वाला, इसलिए आप इस ट्रिक से इसे लर्न कीजिए। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को लर्न करने की ट्रिक जो है यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन हमने जो है आपको
जो प्रीवियस वीडियो में एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करना है ये भी हमने बताया हुआ था, तो आप इनका यूज करके जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके भी एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको बता देते हैं बोरॉन जो होता है उसका क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब हमें इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 8, 5 प्लस 8 तो ये हमारा आ जाएगा 13, ठीक है। गैलीनियम के लिए हमने फिर से अगेन इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 8 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 8 8 यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है एटॉमिक नंबर भी फाइंड कर सकते हैं और हमारे पूरे पेरियोडिक टेबल के एटम्स को लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।